हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, सीआई चल रही है, जिसकी आज ये चौथी क्लास है। आज ये आपकी पांचवी क्लास है भैया, पार्ट फाइव है ये। इससे पहले हमने चार क्लासेस कवर किए हैं, है ना। तो जिन्होंने भी अभी तक चार क्लासेस नहीं देखी उसको जरूर देखे। आज हमारा टॉपिक क्या है, छमाही तिमाही ब्याज। जब छमाही या त्रैमासिक या इतने दिन का उतने दिन का ब्याज काउंट होता है, तो उसके लिए आज हमारा टॉपिक लगने वाला है। बहुत ही मजा आएगा आप सभी को, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मजे के साथ पढ़ेंगे और खूब इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं सवालों की तरफ, ढेर सारे हमारे सवाल इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले फटाफट एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि क्लास आ गई भैया। तो एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट, सब लोग, है ना। जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर वीडियो को जरूर से जरूर कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। आप हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, जहां पे आप इन सवालों का टेस्ट दे सकते हैं घर बैठे बैठे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। 5,000 रुपए की धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से डेढ़ वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित होती है। पहले अर्धवार्षिक संयोजित होती है, इसका मतलब समझो। देखो, पूरे साल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% का है ईयरली। जैसे आप किसी को अगर पैसा उधार देते हो, अगर आप किसी को पैसा उधार देते हो तो आप उससे कहोगे कि मुझे 8% चाहिए साल का, पूरे एक साल का मुझे कितना चाहिए, 8% चाहिए। अगर मान लो वो व्यक्ति आपसे कहे कि ठीक है मैं आपको 8% एक साल का दे दूंगा, बट आप कहने का क्या कर रहे हो, आप चले गए उससे अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लेने। अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, छह महीना पर। जब आप छह महीना पर चले गए हैं ब्याज लेने, कितने महीने पर, जब छह ही महीने पर आप चले गए हैं ब्याज लेने, तब क्या करना पड़ेगा। अगर आप छह महीने पर चले गए हैं ब्याज लेने पर, तो आपको ब्याज वो छह ही महीने का देगा, आज पूरे साल भर का नहीं देगा। कॉमन सी बात है भाई, अगर मैंने आपसे पैसा उधार लिया है तो मैंने आपसे जो वादा किया है कि मैं आपको जब साल भर बीत जाएगा तब मैं आपको 8% का रेट दूंगा, लेकिन आप हमसे आधे साल में चले आए पैसा मांगने कि नहीं शुभम सर आपने हमारा पैसा लिया हमको लौटा दो, तो अब मैं आपको टोटल 8% नहीं दूंगा। क्यों दूंगा 8% तो मैं आपको साल का देता ना, 8% में आपको कब का देता, साल का देता, लेकिन आप तो साल पूरा होने से पहले ही आ गए हमसे लेने पैसा। तो ठीक है, अगर आप हमसे साल पूरा होने से पहले ही आ गए हैं पैसा लेने, तो मैं आपको पूरा साल का इंटरेस्ट ना दे करके कम इंटरेस्ट दूंगा। अब आप कब आए हो पैसा लेने, तो आप छह ही महीने पे चले आए हो पैसा लेने, छह महीने का मतलब आधे साल पे चले आए हो, तो जो ब्याज की दर है वो भी आपकी आधी हो जाएगी। अब बताओ, पूरे साल में अगर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो छह महीने पे कोई ब्याज लेगा तो उसको थोड़ी पूरा 8% आप दे दोगे, कैसे दोगे, क्यों दोगे भाई, हम उसको कम देंगे ना। जब आधे साल पे आए हो तो आधा ब्याज लेके जाओ, सिंपल सी चीज है। तो वही लॉजिक लगता है कि जब भी कभी छमाही ब्याज दर चलती है तो जो उसका ब्याज होता है, देखो एक्चुअल में क्या है, 5,000 रुपए का प्रिंसिपल है, 5,000 रुपए का प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% ईयरली दिया है, एनम दिया है, ठीक है, और टाइम आपको दिया है एक सही 1/2 वर्ष, ठीक है ना। तो अगर हाफ ईयरली लग रहा है, अगर हाफ ईयरली लग रहा है मेरे भाई, समझो हाफ ईयरली लग रहा है, अगर ये कहानी हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो जाती है तो आपका जो प्रिंसिपल होगा वो तो 5,000 होगा, लेकिन जो रेट होगा वो 8 नहीं होगा, हाफ ईयरली मतलब आधा साल, तो रेट भी आपका आधा लगेगा, यानी रेट आपका 4% लगेगा। और टाइम आपको कितना लगेगा आप बताओ, अगर आधे साल में आप जा रहे हो ब्याज लेने, हर छह महीने पे आप जाते हो ब्याज लेने, तो डेढ़ साल में आप कितनी बार जाओगे ब्याज लेने, डेढ़ साल में आप कितनी बार जाओगे ब्याज लेने, 3 बार जाओगे, मतलब टाइम आपका लगभग मान लिया 3 साल का हो जाएगा। टाइम आपका कितने का हो जाएगा, 3 साल का हो जाएगा, मतलब अगर आप हर छह महीने पे ब्याज लेने जाओगे तो आपको 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा। समझ आ रहा है, बोलो। चलो बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ रहा है तो, चलो ठीक है भाई, अब सीखते हैं कहानी को। देखो 5,000 रुपए का आपका क्या है, प्रिंसिपल है, 8% का आपका क्या है, ब्याज है, और आप डेढ़ वर्ष में ही जा रहे हो, तो आप डेढ़ वर्ष में जा रहे हो, लेकिन जब हाफ ईयरली जाओगे तो आपका पैसा 5,000 हो जाएगा, जो रेट था आपका 8% वो 4% हो जाएगा, और जो टाइम आपका डेढ़ साल का था वो सीधे दुगना हो जाएगा, यानी कि टाइम आपका 3 साल का हो जाएगा। तो अब आपके लिए सवाल कैसा हो गया, एकदम SCI का एकदम सिंपल सवाल हो गया है कि प्रिंसिपल आपका 5,000 रुपया है,
प्रिंसिपल आपका 5000 रुपया है और अमाउंट सॉरी और रेट जो है आपका 8% नहीं है, 4% का रेट है और टाइम जो है आपका वो 3 साल का हो गया है इसके लिए, है ना, 3 साल का हो गया है। क्यों? क्योंकि ये कहानी जो है हाफ ईयरली चल रही है। तो अब इसके लिए आपको बताना है कि सीआई कितना होगा। अरे ये सवाल तो बहुत आसान हो गया, जल्दी बताओ सवाल आसान हो गया कि नहीं हो गया? अरे बहुत आसान हो गया भाई, है ना। अब इस सवाल को हम अपने रेशियो मेथड से लगा सकते हैं। देखो रेशियो मेथड बहुत ही शानदार सा मेथड होता है, मैं बताता हूं। देखो 5000 रुपए का है, 5000 रुपए है, इस पे 4% पर ईयर का लग रहा है तो 4% हो गया 50 को 200। अब इस 200 पे फिर लगेगा 4% ब्याज का ब्याज लगता है, तो ये 100 से 100 खत्म, 4 दुनी के 8, फिर 8 पे 4% लगेगा, ठीक है, तो 8 चौक 32 यानी कि 0.32। अच्छा कितने साल की कहानी है जरा मेरे को बताओ, कितने साल की कहानी है? 3 साल की कहानी है। तो 3 साल के लिए मैंने आपको रेशियो का मेथड क्या बताया था, गुड़े में 3 गुड़े में 3 गुड़े में 1, 3:3:1 जाके देखो पहली क्लास रेशियो मेथड जब सिखाया था, तो 3:3:1 हो जाएगा इसका रेशियो मेथड से, यानी कि ये जो पहले साल का आ जाएगा वो 600 रुपया आ जाएगा, जो दूसरे साल का ब्याज आएगा वो 24 रुपया आ जाएगा, और जो ये आएगा ये 0.32 आएगा, ठीक है ना। ये जो है तीनों साल का ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये ब्याज का ब्याज है दूसरे साल के लिए, ब्याज का ब्याज तीसरे साल के लिए, ठीक है ना। अब यहां से आपसे क्या पूछा है, सीआई पूछा है, तो सीआई अगर पूछा है तो आप तीनों को जोड़ दीजिए, अगर आपसे सीआई पूछा है तो तीनों को जोड़ दीजिए, आपका सीआई आ जाएगा 624.32, ये आपका सीआई आ गया 624.32, पहला वाला आंसर सही है। अगर मान लो आपसे एसआई पूछता खाली, तो आप एसआई भी बता सकते हैं, कैसे, खाली पहला साल बताया था मैंने आपको, जो 600 रुपया है वही आपका एसआई है। अगर मान लो आपसे सीआई एसआई का अंतर पूछता तो आप बता देते पहले को छोड़ के बाकी दोनों 24.32, ये सीआई एसआई का अंतर आ गया, बात समझ में आई। तो अब आपसे खाली सीआई पूछा था तो सीआई में आपने बता दिया कि 624.32 है, एकदम आसान और एकदम इजी मेथड है ये सारे के सारे। बताओ समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? समझ में आना चाहिए भैया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर समस्या है तुम्हारे समझने में कहीं ना कहीं, ठीक है ना, या तो मेरे समझाने में समस्या है या तो तुम्हें समझने में समस्या, समझाने में समस्या हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरा 100% मैं समझा दूं। हो सकता है कुछ बातें ना समझ में आती होंगी आपको या कुछ बातें मैं अच्छे से ना समझा पाता हूंगा, लेकिन फिर भी उसको समझने की कोशिश किया करो, कमेंट कर दिया करो जो चीज नहीं समझ में आती है जब वीडियो खत्म हो उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में। चलो कहानी को फिर से समझते हैं। 5000 रुपया आपका क्या था, 5000 रुपया आपका प्रिंसिपल था, 8% का रेट जो था वो अमाउंट रेट था वो पर ईयरली था, ईयरली रेट था, और 1.5 साल की बात किया था, है ना भैया। तो 5000 के रेट, 5000 के प्रिंसिपल पे अगर आप हाफ ईयरली जाओगे तो आपका रेट आधा हो जाएगा, 4% हो जाएगा, जो 1.5 साल था वो दुगना हो जाएगा, नहीं 3 साल हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, अगला देखो, 300 रुपए की धनराशि पर 14% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक या छमाही रूप से संयोजित होती है। फिर से वही कहानी है कि प्रिंसिपल आपका 300 रुपया है और हाफ ईयरली लग रहा है, अगर हाफ ईयरली मेरे भाई लग रहा है तो जो रेट होगा वो भी घट जाएगा, 14% से रेट घट के कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा, रेट आपका 7% हो गया, और जो टाइम इंटरवल था वो 1 वर्ष ना हो करके 2 वर्ष हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली है। देखो 1 साल में क्या छमाही होता है, आप छमाही ब्याज लेने जा रहे हो तो 1 साल में क्या छमाही, 2 छमाही, तो इसका मतलब आपको 2 बार ब्याज लेने जाना पड़ेगा, 2 बार का मतलब उसको 2 साल मान लेते हैं, है ना। अब यहां से आपको बता देना एकदम, आज बताओ 300 रुपया पे 7% के हिसाब से कितना लगा ब्याज, 7 तरीके 21, 21 रुपया पे 7% के हिसाब से कितना लगा ब्याज, 147, मतलब 1.47। रेशियो क्या बनेगा 2 साल का, गुड़े में 2 गुड़े में 1, तो 2:1 होता है 2 साल की रेशियो, तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 1.47 और ये आपसे सीआई पूछा था, दोनों को जोड़ देंगे 42 और 1.47 मिलके कितना हो जाएगा 43.47, 43.47, ये शानदार सा आंसर बन गया भाई। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, और मजा आना चाहिए, है ना।
बताओ। देखो भाई कुछ ऐसा नहीं है इसमें जो आपको ना आए, है ना, एकदम 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। जो हाफ ईयरली जा रहे हो तो सीधे आधा हो जाएगा 14 का आधा, एक साल पे जा रहे हो तो एक साल में दो छमाही होता है, दो छमाही के हिसाब से दो बार आपका इंटरेस्ट लगेगा। चलो अगला देखो, ₹2000 की आपका प्रिंसिपल है, ₹2000 का आपका प्रिंसिपल है और 12% का ब्याज है। लेकिन 12% का ब्याज कैसे, जबकि ब्याज की दर त्रैमासिक है, यानी तीन महीने में है ब्याज की दर, त्रैमासिक यानी तिमाही, तो तीन महीने है आपकी ब्याज की दर। अब तीन महीने में तो ब्याज लेने चले गए। चलो अब सुनो, मान लो आपने हमें ₹100 उधार दिया, मान लो मैं आपको ₹100 देने वाला था ब्याज के रूप में, मान लो मैं आपने आपको मैं ₹100 ही देने वाला था ब्याज के रूप में। अब आप क्या किए कि नहीं मुझे हर तीन महीने में ब्याज चाहिए, हर तीन महीने में ब्याज चाहिए, है ना, तो मैं आपको, आप तीन महीने में आओगे तो मैं आपको ₹100 का दूंगा, 100 तो मैं आपको पूरे साल का दूंगा ना, आप तीन महीना में चले आए ब्याज लेने तो मैं आपको तीन ही महीने का ब्याज दूंगा, यानी ₹100 में देता आपको पूरे साल का, तो तीन महीना के हिसाब से तीन महीना, छह महीना, नौ महीना, बारह महीना, यानी कि चार बार मैं आपको देता ₹100 करके, ₹100 को अब मैं चार पार्ट में डिवाइड करके दूंगा, तो जो मैं ब्याज आपको ₹100 दे रहा था उसी को अगर आप तीन महीना में आ गए हैं पैसा लेने तो मैं आपको 100 को चार पार्ट में डिवाइड करके दूंगा। अच्छा बताओ तीन महीने का मतलब कितना होता है, तीन महीने का मतलब कितना होता है, जल्दी बताओ, तीन महीने का मतलब होता है मेरे भाई कि अगर तीन महीने की बात कर रहा है, अगर तीन महीने की बात कर रहा है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे साल में चार बार तिमाही आती है, कितनी बार आती है, चार बार तिमाही आती है, चार बार तिमाही आती है, इसका मतलब जो 12% होगा यह भी 4% चार बार में डिवाइड हो जाएगा। देखो तिमाही का मतलब 3/12, 3/12 का मतलब 1/4, यानी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे साल में चार तिमाही आती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से आपका जो रेट परसेंट है इस बार, देखो आपका जो ब्याज है वो कैसा है, तीन महीने का है, तिमाही है, है ना, अगर तिमाही है तो जो आपका ब्याज, अगर तिमाही है, सपोज करो कि आपका ब्याज जो है क्या है भैया, तिमाही है, तो आपका जो रेट होगा, रेट होगा वो 12% का चार, मतलब 12% को चार से भाग कर देंगे यानी 3% का रेट लगेगा। समय बताओ, आप 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज जाते हो, तीन महीने यहां पे क्या होगा, 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनुअल, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडली, क्वार्टरली, क्वार्टरली सही है, ठीक है, आप 6 महीने का ब्याज चाहते हो, अगर 6 महीने का ब्याज चाहते हो तो 3 माह के हिसाब से 6 महीने में कितनी बार जाओगे ब्याज लेने, 2 बार, तो आपका जो टाइम होगा वो 2 साल के लिए कैलकुलेट होगा। अब यहां से आसानी से निकाल दो, एकदम आसान बन गया सवाल, ₹2000 पे 3% के हिसाब से 0 0 कट गया, 20 3 60, ₹60 हो गया, ₹60 पे 3% के हिसाब से 0 0 कट गया, 36 18 1.8, 2 साल के लिए रेट क्या लगेगा, रेशियो 2:1 का, 60 × 120 और ये 1.8, पूरा सीआई कितना आ जाएगा बताओ, यहां से सीआई पूछा है आपसे, 120 में एक जुड़ गया, 121.8, एकदम शानदार सा मेथड है और एकदम इजी सा मेथड है मेरे भाई, एकदम आसान सा मेथड है और एकदम इजी सा मेथड है, समझ में बन रहा है। चलो फिर से देखो, अगर आप तिमाही लेने जाओगे, क्वार्टरली जा रहे हो आप ब्याज लेने, तो जैसे आप 6 महीने पे जा रहे थे तो पूरे साल में 2 छमाही होता है तो जो ब्याज है आपका वो बराबर बराबर 2 भाग में बढ़ गया, ब्याज आधा हो जा रहा था, वैसे अगर तिमाही लेने जा रहे हो तो तिमाही जो होता है 3-4 बार आता है, तिमाही का मतलब तीन महीना मत समझना, तिमाही का मतलब पूरे साल में 4 तिमाहियां होती हैं, तो जो ब्याज होगा वो आपको 4 पार्ट में बांटना होगा, मतलब ब्याज को हमें 4 से भाग करना होगा, तो ब्याज जो है क्वार्टर हो जाएगा, क्वार्टर का मतलब 1/4 हो जाएगा, क्वार्टरली जा रहे हो तो क्वार्टर हो जाएगा ब्याज, तो क्वार्टर का मतलब 1/4 हो जाएगा, तो 12% का 1/4, 3% का ब्याज लगेगा अब आपको, और अगर आप 6 महीना में जा रहे हो ब्याज लेने तो 6 महीना में 2 तिमाही होती है, तो इस तरह से इसका आंसर 2 वर्ष के हिसाब से लगा देना, बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। अगला देखो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बच्चा हमेशा डरा रहता है छमाही तिमाही के क्वेश्चन से, अरे डरने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे आसान आसान सवाल बनते हैं कि आपको एकदम आसान से समझना है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो अगला देखो, क्या कह रहा है कि ₹4000 की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर तिमाही गणना की जाती है, वही सवाल है फिर से। अच्छा बताओ, जो आपका 4000 क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये ₹4000 आपका प्रिंसिपल है, 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, अब बताओ अगर 20% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर आप तिमाही जा रहे हो ब्याज लेने, अगर आप क्वार्टरली जा रहे हो, क्या जा रहे हो,
अगर आप क्वार्टरली जा रहे हो ब्याज लेने, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 20% ना होकर के उसी का क्वार्टर हो जाएगा, मतलब कि 5% हो जाएगा। 9 महीने पे जा रहे हो तो समय आपका कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए कैलकुलेट होगा। 9 महीने का मतलब 9 महीने में 3 तिमाही होती है, तो समय आपका 3 वर्ष हो जाएगा, मतलब 3 वर्ष मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना। 3 बार जाओगे वो है 9 महीना, लेकिन 3 बार जाओगे तो उसको वर्ष के हिसाब से 3 वर्ष मान लेते हैं। अब यहां से 3 वर्ष के लिए ट्रिक लगा दो, देखो 4000 रुपया है, 4000 रुपए पे 5% का रेट कितना लगेगा, 4 × 5 = 20, 200, और 200 पे फिर 5% लगाना है, तो 20 से 20 कट गया, यानी 5 × 2 = 10, फिर 10 पर 5% लगाना है, 0 से 0 कट गया 0.5, ठीक है। अब इसमें बताओ रेशियो क्या लगेगा, 3:3:1 की, 3 साल की रेशियो क्या होती है, 3:3:1 की, कैसे होती है, कहां से होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास और दूसरी क्लास में पढ़ाया हूं, जाके देखो तब पता चलेगा। तो ये 600 रुपया हो गया आपका, ये 30 रुपया हो गया आपका, और ये 0.5 हो गया, यही है आपका टोटल सीआई, कितना आ गया सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 630.5, ये इसका आंसर बन गया। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आप कर लोगे ऐसे सवाल, यार मुझे लगता है कि आप कर लोगे, कुछ नहीं आपके लिए, 8% का रेट है, 9 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही के आधार पर परिकलन किया जाता है, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया था 9/6/2016 को। चलो देखो 5000 रुपए के हिसाब से, अच्छा बताओ 8% है, 8% को अगर तिमाही के आधार पे करोगे तो क्वार्टरली हो जाएगा, 8 का क्वार्टर मतलब 8 × 1/4 यानी 2% का रेट बनेगा, तो 2% के हिसाब से जाओगे, 50 × 100, फिर 100 पर 2% जाओगे, 2 आ जाएगा, कितने साल, कितने के लिए, 9 माह के लिए, 9 माह में 3 तिमाही होती है, तो 3 के लिए जाओगे, यानी 2 का फिर से 2% लगाओगे, तो 0.04 हो जाएगा। अब आप बताओ कि अगर 3 साल की बात की जा रही है तो 3 का रेशियो लगेगा, 3:3:1 का रेशियो लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 0.04, यानी 306.004, 306.004। बहुत आसान है और बहुत जल्दी लगेगा, ऐसा नहीं कि टाइम टेकन है आपके लिए, बिल्कुल टाइम टेकन नहीं भैया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मैजिक है इन सवालों में। देखो फिर से वही सवाल है कि त्रैमासिक कैलकुलेट किया जाता है, चलो देखो 16000 रुपया है, त्रैमासिक होता है तो जो उसकी ब्याज है वो 4 बार में डिवाइड हो जाएगी, तो 5% का एनम हो जाएगा, 5% 16×5 = 80, 800 रुपया, ठीक है, और 800 रुपया पे फिर 5% लगेगा, आठ पचे 40 रुपया, अच्छा 9 महीने का पूछा है, 9 महीने का मतलब 3 तिमाही होती है, तो तीसरी बार भी जाएगा, 40 × 5% लगाएंगे, 4×5 = 20, यानी कि 2 रुपया हो गया। अच्छा बताओ अब इसमें क्या लगेगा रेशियो, गुड़े में 3:3:1 की रेशियो लगेगी 3 साल के लिए, तो 8×3 = 24, मतलब 2400 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ोगे 120 × 2500 = 2522 रुपया, ये आपका सीआई आ जाएगा, यही आपसे पूछा था। अगर एसआई पूछता तो 2400 रुपया, अगर एसआई सीआई का डिफरेंस पूछता तो 122 रुपया, बात समझ में ना, तो ये सारी बातें आप समझ गए हैं एकदम आसानी से। अगला देखो, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा बताओ अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत प्यारा और बहुत छोटा और बहुत खोटा क्वेश्चन है ये। अब आपने कहा सर ये खोटा कैसे है और क्या प्यारा है इसमें, देखो यहां पे ब्याज की जो दर है वो अर्धवार्षिक है, कैसी है, अर्धवार्षिक ब्याज की दर है, कैसी भैया, अर्धवार्षिक ब्याज की दर है। अगर अर्धवार्षिक ब्याज की दर है मेरे भाई, समझो अगर अर्धवार्षिक ब्याज की दर है तो 10,000 रुपए पे 4% की दर से 2 साल, अगर 2 साल में अगर अर्धवार्षिक ब्याज दर लगाओगे तो सीधे सीधे 4 साल हो जाएगा, 2 साल में अगर अर्धवार्षिक ब्याज दर लगाओगे तो सीधे सीधे 4 साल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलो अब समझो मेरी बात को, याद देखो आपका प्रिंसिपल जो है 10,000 रुपया है, ठीक है ना, प्रिंसिपल आपका 10,000 हो गया, और आप जो है हाफ ईयरली लगा रहे हो, ठीक है, आप क्या लगा रहे हो, हाफ ईयरली लगा रहे हो, 4% का आपका रेट है, तो रेट आपका 4% है, 4% का रेट जबकि आधा हो जाएगा 4% का रेट, तो 2% हो जाएगा,
टाइम आपका 2 साल दिया है, 2 वर्ष, लेकिन टाइम दुगना हो जाएगा क्योंकि हाफ ईयरली लगा रहे हो, तो टाइम आपका 4 वर्ष हो जाएगा। यानी कि 4 वर्ष का सीआई निकालना है, और 4 वर्ष के लिए तो मैंने पढ़ाया आपको, मैंने आपको 5 साल तक के सीआई निकालने के लिए पढ़ाया। मैंने कहा था कि 2 साल का सीआई तो 2:1 का रेशियो, 3 साल का 3:3:1 का, 3 साल का है तो 3:3:1 का रेशियो, 4 साल का है तो 4:6:4:1 का रेशियो, और अगर 5 साल का है तो 5:10:5:1 का रेशियो, 5:10:10:5:1। ये पूरे 5 साल के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब 5 साल तक मैंने आपको अगर पढ़ा दिया है तो आप आसानी से 5 साल तक का मान निकाल सकते हो। अब यहां पे समझो, ये जो आपके लिए है ये कितने साल का है, ये तो 4 साल ही साल, 4 ही साल का है ना, तो कोई बात नहीं, हम 4 साल के लिए और आसानी से लगाएंगे। देखो 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया पर समझो, 10,000 रुपया है, दिख रहा है ना, 10,000 रुपया पर 2% का एनम लग रहा है, तो 20 से 20 कट गया, यानी 200 रुपया, 200 रुपया हो गया। अब 200 पे फिर लगाएंगे 2%, 200 पे 2% फिर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रुपया, 2 × 4, ये 20 से 20 खत्म हो गया। फिर से 4 पर लगाएंगे 2%, 4 × 8 मतलब 0.08 रुपया, फिर से 0.08 पर लगाएंगे 2%, है ना, 0 से 0, इसमें तो कुछ भी नहीं खत्म हुआ है, 8 × 16 मतलब 0.0016 ये बन जाएगा, ये बन गया आपका पूरा का पूरा 4 साल का। अब 4 साल की रेशियो लगा दो, 4 साल की रेशियो क्या लगती है, 4:2, क्या बताया था, 4:6:4:1 की ये लगती है, 4 × 800 ये आपका SI आ गया, और 6×24 और 8×32 0.32, और 16×16 मतलब 0.0016। आप इन सभी को जोड़ दो, आपके CI का मान आ जाएगा, आपसे CI पूछा है ना, सभी को जोड़ दो, 824 32 16 मतलब इसका आंसर आएगा 824.3216, ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, 824.3216। देखो है कहीं पे 824, हाँ है 824.32 लिखा है, 16 नहीं लिखा है, 2 ही डिजिट तक दिया हुआ है। अब बताओ 4-4 साल तक का भी आंसर आप निकाल ले रहे हो, आसानी से आपको कोई समस्या नहीं हो रही है, 4-4 साल का भी आप आंसर निकाल ले रहे हो, आसानी से आपको कोई समस्या नहीं हो रही भाई, अर्धवार्षिक जब ब्याज की दर लगा रहे हो तब, बताओ अब कर लोगे, अब तो भैया छमाही तिमाही का तुमने पूरा इतिहास भूगोल सब कुछ लिख दिया, कोई समस्या नहीं होगी इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित मतलब हाफ ईयरली है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अगर 20% है तो रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 20 का आधा लगा देंगे, 10% का रेट है, कितने समय में, समय आपसे पूछा है, 1000 रुपए की धनराशि, 1000 नहीं यहां 10000 होगी, 10000 रुपए की धनराशि 13310 हो जाती है। अरे ये तो सवाल गुना वाला है, ऐसा सवाल मैंने आपको कराया था गुना वाला में, चलो देखो मैंने आपको बताया था कल ही तो कराया था, 10000 ये आपका प्रिंसिपल है, और क्या है ये 13310 ये आपका अमाउंट है। मैंने कहा था कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये किसी का या तो क्यूब होता है या तो किसी का स्क्वायर होता है या तो किसी की पावर में 4 होगी, तो पहले तो 0 से 0 कट रहा है, इसको काट दो, यानी यहां क्या बच रहा है, 1000 बच रहा है, और यहां क्या बच रहा है, 1331 बच रहा है। हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि जो अब देखो 1000 जो है ये 10 का क्यूब है, और जो 1331 है ये 11 का क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या हुआ, क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 3 वर्ष की बात कर रहा है, कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की बात कर रहा है। परंतु रुको जरा भैया, हाफ ईयरली संयोजित होता है ब्याज, क्या हाफ ईयरली होता है, तो जो आपका समय आ जाएगा वो समय भी इसका आधा हो जाएगा, 3/2 साल, यानी 1/2 वर्ष आपका समय आ जाएगा, 1/2 वर्ष आपका समय आ जाएगा। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर सकते हो, 10 से 11 जाने में आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा हाफ ईयरली के हिसाब से, ठीक है ना। तो जब आप हाफ ईयरली लगाओगे तो आपका समय जो यहां पे 3 साल, ये क्यूब है जो 3 साल दिखा रहा है, लेकिन समय आपका सीधे सीधे आधा हो जाएगा। बात समझ में आ रही भैया, जल्दी बताओ,
इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सी क्लास है, छमाही तिमाही है, मजा आना चाहिए सब मिला जुला के। और अगर वीडियो को तुमने शेयर और लाइक नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, किसी आर्टिकल के तहत कोई ना कोई केस कर दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, सोच लेना भैया, है ना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली है, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹1, एक वर्ष के लिए ₹36 दिया है, तो राशि क्या है। देखो अभी मैं ये आपको टॉपिक नहीं पढ़ाया हूं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, है ना। SICI का डिफरेंस वाला टॉपिक ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अब SICI के डिफरेंस वाला टॉपिक अगर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा तो फिर आज इसको कैसे लगाएं। तो आज अभी जान लो, बस जान लो। छोटा सा सवाल है, मैं आपको बता देता हूं। एक वर्ष का मतलब ये अर्धवार्षिक के हिसाब से 2 साल हो जाएगा ना। अगर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लगती है तो 1 साल के लिए अर्धवार्षिक रूप से 2 साल का हो जाएगा। 2 साल के लिए जो SICI का डिफरेंस होता है उसकी ट्रिक मैं आपको बता दे, बाकी कल पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कल आपको CI और SI का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि कैसे उसका अंतर निकालते हैं। अभी जान लो खाली 2 साल के लिए जो रेट परसेंट होता है, जो आपके R²/100 का मान होता है, वही होता है CI-SI का मान, CI-SI का मान। अब आर स्क्वायर तो नहीं पता आपको, वही तो बताना है ना, आर स्क्वायर पता है भैया, लेकिन 12% रहेगा क्या। अरे जब हाफ ईयरली, देखो 12% तो आपका वार्षिक है, आप हाफ ईयरली लगाओगे तो 12 का आधा हो जाएगा, यानी 6% का रेट लगेगा। तो 6² / 100% का मान, SICI का डिफरेंस कितना दिया है 36, 36 से 36 कट गया, यानी यहां से 1% का मान कितना आ गया 100। आपसे राशि पूछा था, राशि का मतलब 100% लग जाएगा, 100% का मान हो जाएगा ₹10,000। अब देखो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये मैंने क्या किया है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मेरी बात को समझ लो, ये चीज अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का सवाल है, ये मैं आपको कल सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं इसका आंसर, ठीक है ना। ये मैं आपको कल सिखाऊंगा कि SICI का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अभी ये सवाल आ गया था तो मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। बाकी ये सवाल हम कल देखेंगे, जब कल की क्लास में देखेंगे तो कल ही हम इस सवाल को देखेंगे, कल मैं आपको पहले इसका और इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तब। ये सवाल चूंकि हाफ ईयरली में लगा था इसलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया, समझ में आ रही मेरी बातें, जल्दी बोलो आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है भैया। चलो फिर ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन है इसमें, एक और क्वेश्चन है, यह भी आपका अर्धवार्षिक रूप से जोड़े गए चक्रवृद्धि और उसके साधारण ब्याज के अंतर का सवाल है, ठीक है ना। तो मैं ये आपको सवाल आज नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए मान लो गिफ्ट है, जिन बच्चों को आता होगा वो कमेंट करेंगे आंसर, जिन बच्चों को आता होगा वो इस सवाल का आंसर कमेंट करिएगा आप मुझे, ठीक है। बाकी जब मैं कल आपको SICI का डिफरेंस पढ़ा दूंगा, कमेंट करना है आपको कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब नीचे कमेंट बॉक्स में, जब मैं आपको SICI कल पढ़ा दूंगा तो SICI का जब डिफरेंस मैं आपको पढ़ा दूंगा तब इस तरह के सवाल आप आसानी से लगा लोगे, ठीक है ना भैया। तो इस सवाल को कल मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से बता दूंगा कि कैसे इसको लगाना है, अभी मैंने आपको CI और SI का डिफरेंस नहीं पढ़ाया, चूंकि ये सवाल अर्धवार्षिक का है इसलिए यहां पर आ गया है, बाकी अभी मैंने आपको अभी CI और SI का डिफरेंस नहीं बताया, ठीक है। तो ये सवाल गिफ्ट है, जिनको आता होगा, जो पढ़े हैं जिनको आता होगा वो इसका आंसर जरूर कमेंट करना, ठीक है ना। बाकी जिनको नहीं आता है उनका कल मोस्ट वेलकम है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे CI और SI का डिफरेंस, ठीक है भैया। चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भाई, हर जगह फैला देना, बता देना कि क्लास आ गई है। तो आज आपने छमाही और तिमाही का पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में जकड़ लिया है, अब कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, कोई भी सवाल आएगा आसानी से लगा लोगे, ठीक है ना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल। वीडियो को शेयर जरूर करना वरना पाप लगेगा तुम्हें, सोच लो मेरी बातें थोड़ी सच्ची होती हैं, ठीक है। चलो भैया राम राम रखते हैं।